कमोडिटी बाजार में भारी भरकम गिरावट है जारी, तो ऐसे में आपको घरेलू बाजार में आज क्या रणनीति है अपनानी। आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, सबसे पहले सोने चांदी से शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है जो सबको कंफ्यूज करके रखा हुआ है, और तो सोने और चांदी में जो डायरे का ट्रेड है क्या किया जाए? नेहा जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, गोल्ड अभी 1837 डॉलर के आसपास चल रहा है, और हम देखें तो काफी टाइट रेंज में काफी दिनों से ट्रेड कर रहा है, और कल भी हमने लोअर लेवल से रिकवरी आते हुए देखी थी। तो गोल्ड और सिल्वर में जिस तरीके की अनसर्टेनिटी बनी हुई है, इक्विटी मार्केट में करेक्शन है, हमें लगता है कि गोल्ड सिल्वर एक सेवेबल डिमांड के तौर पर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर बाय ऑन अ डिप्स की स्ट्रेटेजी ही रहेगी। गोल्ड करीबन 50,700 के आसपास खरीदारी करें, 50,450 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 51,300 तक हो सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में 1,850-1,860 डॉलर तक के लेवल देखे जा सकते हैं। वहीं सिल्वर में भी कल हमने रिकवरी देखी थी लोअर लेवल से, तो 60,000 के आसपास खरीदारी करें, 59,450 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 61,500 तक देखने को मिल सकता है। और इंटरनेशनल मार्केट में करीबन 21.80 डॉलर तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो गोल्ड सिल्वर हमें लगता है कि खरीदारी का ट्रेड यहाँ पे रखना चाहिए। क्या इतना ही कॉन्फिडेंस बेस मेटल्स में है जहाँ पर भारी गिरावट आई है? देखिए, बेस मेटल में थोड़ा सा अगर देखें तो हालांकि लोअर लेवल पे कल यहाँ पे एक्टिवेशन देखा था, मगर यहाँ पे भी रेंज बाउंड मूवमेंट है। यहाँ पर वैसे हम बाय कॉल ही देना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर बेस मेटल में ओवरसोल्ड आने की वजह से एक रिकवरी देखने को मिली है, बट यहाँ पर हायर लेवल पे रेजिस्टेंस भी फेस हो रहा है। पर इंट्राडे के लिए हमें लगता है कि 725 के आसपास खरीदारी करें, 718 का स्टॉप लॉस लगाएं, 735 का टारगेट हो सकता है, और 735 के आसपास के लेवल्स मिलते हैं 35-40 के, तो वहां पर बिकवाली का ट्रेड भी बना सकते हैं। कॉस कलम ने देखा कि कमजोर रुपए का भी काफी सहारा मिला था जब रिकॉर्ड लो पे रुपया चला गया था। कच्चे तेल में क्या किया जाए यहाँ पर, जिस तरह का हमने हैवी ड्यूटी फॉल आते हुए देखा है 24 घंटों में, क्या बिकवाली बनती है इन लेवल से आगे? क्योंकि एनर्जी सेगमेंट चाहे क्रूड हो चाहे नेचुरल गैस हो, हमें यहाँ पर बिकवाली का ट्रेडिंग लगता है, क्योंकि जिस तरीके से टैक्स को लेकर डिस्कशन हो रहा है और जिस तरीके से यहाँ पे जो सप्लाईज है वो जो डिमांड है वो थोड़ी कम रही है, तो मुझे लगता है कि क्रूड के अंदर बिकवाली का ट्रेंड ही आ सकता है। क्रूड में करीबन 8,450 के आसपास बिकवाली करें, 8,650 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 8,000 तक देखने को मिल सकता है। और इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 105-106 डॉलर तक के लेवल ब्रेंट में देखे जा सकते हैं। तो क्रूड और नेचुरल गैस दोनों के अंदर बिकवाली का ट्रेड बनाया जा सकता है। ओके, सिंस आप करेंसी भी कवर करते हैं, मुझे जरा बताइए कि कल जो हमने नए रिकॉर्ड लोज 78-39 के पास डॉलर में बनते हुए देखे हैं, अब यहां से क्या किया जाए? यहां से फर्दर करेक्शन दिखेगा या फिर अभी और रिकॉर्ड लोज बनेंगे? देखिए, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि रुपी अभी और वीक हो सकता है, तो वैसे ही ट्रेंड में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से रिसेशन का फियर पूरे ही ग्लोब में आया है, तो सारी करेंसी डेप्रिशिएट हुई है, तो इंडियन करेंसी भी यहाँ पे डेप्रिशिएट होती हुई दिखाई दी है। इक्विटी मार्केट में करेक्शन जो है वो सबसे बड़ा एक फैक्टर है, और दूसरा जो डॉलर डिमांड की वजह से रुपये यहाँ पे डेप्रिशिएट हुआ है वो भी एक कंसर्न है। हमें लगता है कि अभी फर्दर रुपये में कुछ और डेप्रिशन देखने को मिल सकता है, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 78.70 से लेकर 79 तक के भी लेवल रुपये में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर डेप्रिशिएशन की स्ट्रेटेजी मीन्स USD/INR में डॉलर की खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। ओके, तो रुपये में कमजोरी जारी रहेगी और कुछ नए रिकॉर्ड लोज हम बनते हुए देखेंगे। शुक्रिया अनुज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कमोडिटी स्पेस में ऑफकोर्स करेंसी मार्केट में क्या रणनीति अब यहां से अपनाकर चलनी है। आइए अब